इन अदालतों से हमें इंसाफ मिला, झूठे मुकदमात हवा में उड़े। आज इनकी दोबारा पेशी थी। इनके पिछले ऑर्डर के बाद पंजाब पुलिस ने और दीगर एजेंसियों ने मुख्तलिफ हीले बहानों से आलिया हमजा को गिरफ्तार करने की कोशिश की। इनके घर पे इनको हाउस अरेस्ट रखा गया। फिर चंद एक केसेस जिनकी तफसील नहीं फराहम की गई थी उनमें इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। तो इसमें मैं अपनी लीगल टीम उनको खिराज तहसीन पेश करता हूं, बीइंग प्रेसिडेंट आईएल ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने हर जगह पे आलिया हमजा को प्रोटेक्शन दी, अदालतों का दरवाजा खटखटाया। खसूसी तौर पे खाकान मीर मेरे साथ खड़े हैं और सलमान अकरम राजा साहब की दफ्तर और उनकी अपनी जात, उन्होंने भरपूर अंदाज में केस प्लीड किए। मलिक खालिद अवान इस्लामाबाद में हूं, केसेस तो वहां पे प्रोटेक्टिव बेल में ये सारी टीम मौजूद थी। सिमिलरली फैसलाबाद में चार केसेस में इनकी प्री अरेस्ट बेल कंफर्म हो चुकी है। एक केस सरगोधा का रह गया है, कभी उम्मीद है कि उसमें भी इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। एक केस फेडरल गवर्नमेंट ने दिया आज के एफआईए में, एक एफआईआर है पीका एक्ट के तहत, उसके अंदर भी हम सलाम पेश करते हैं लाहौर हाई कोर्ट को कि जिन्होंने उसमें हमें 10 दिन का प्रोटेक्शन दी है और हमें बेल लेने की उसमें इजाजत दी है। और एफआईए को कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि शी बी नॉट अरेस्टेड। इस तरह से ये कहानी जो 9 मई से शुरू हुई थी और आज 29 अगस्त 2024 उसमें आज तकरीबन इस कहानी का इख्तिताम होने को है। एक एफआईआर बाकी रह गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम पेश करता हूं आलिया हमजा के हस्बैंड और उनके ससुर को, थैंक यू, जिन्होंने इस खातून का भरपूर साथ दिया। हमारे मुआशरे के अंदर ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन सब का नजरिया खान का नजरिया है। इन सब का नजरिया इस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती है। इन सब का नजरिया रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करना है। आज वो रूल ऑफ लॉ प्रिवेल किया और आज इनको अदालत ने सुरखुरू किया। मैं समझता हूं कि हमजा मलिक जो कि इनके हस्बैंड हैं वो कैंसर सर्वाइवर भी हैं। इनके हस्बैंड एक बिजनेस चलाते हैं कि इस मुल्क में आईन की पासदारी हो, झूठे मुकदमात का मुकाबला इन्होंने डटकर किया, इन्होंने बिहाइंड द बार किया और उन्होंने इन अदालतों और सड़कों में किया। आज आप सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये 9 मई की काली रात छट चुकी है। झूठे मुकदमात में आलिया को या बरी किया गया या इनके खिलाफ जो डिटेंशन ऑर्डर्स थे उसको सेट असाइड किया गया या इनको डिस्चार्ज किया गया या इनको इक्विटल दी गई। इससे इस कौम को एक सबक है कि जब वो हक के साथ सच के साथ मर्दानावार मुकाबला करते हैं तो अल्लाह की मदद नुसरत शामिल हाल होती है
और हमने हमेशा से इन अदालतों पे यकीन रखा है कि ये अदालतें हमें इंसाफ फराहम करती हैं, और आज भी हम इनको सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने हक और सच का साथ देते हुए आलिया हमजा आज अंडर आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक आज़ाद मनुष्य जिंदगी गुजार सकती हैं। और हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद से इंशाल्लाह उल अजीज जो इनके खिलाफ पीका एक्ट के तहत बेल हुई एक FIR पेश की गई है उसमें हम जाके जल्द ही इंशाल्लाह कोर्ट के ऑर्डर्स की कंप्लायंस में बेल करवा लेंगे और ये उनमें भी बरी हो जाएंगी। अब मैं आलिया से कहूंगा कि वो मीडिया से इतने दिनों के बाद वो तशरीफ लाई हैं। तो रहीम इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन, ए रब्बुल इज्जत हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। यही वो चीज़ थी जिसने मुझे आज, तो अब मैं ये कहूँगी कि ये 16 महीने से भी बात आगे बढ़ गई है, क्योंकि शायद ही मेरी रिहाई के बाद कोई ऐसा दिन हो कि मैं अपने घर रही हूँ, या तो मैं घर से बाहर रही या मैं अदालतों में अपनी बेल्स के लिए फिरती रही। बट मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, तो उसने इस सब्र का फल मुझे इस इज्जत से दिया, इस इस्तकामत से दिया, इस साबित कदमी से दिया कि आज मैं अपनी पाकिस्तानी कौम के सामने सुरखुरू हुई। मैं सबसे पहले लाहौर हाईकोर्ट का, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का, अपनी पूरी ILF की टीम का, चौधरी इश्तियाक साहब का, खाकान मीर साहब का, सलमान अकरम राजा साहब का। सलमान अकरम राजा साहब शायद आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने इस केस को लिया, जब सबको ये लग रहा था कि शायद मैं बलूचिस्तान चली जाऊँ या मैं भी सिंध चली जाऊँ या मुझे इस्लामाबाद पुलिस पकड़ ले, और तारिक साहब जो हर वक्त हर लम्हा जब मुझे कहीं अरेस्ट के लिए जाना भी पड़ता था तो ये सारी टीम ये कहती थी कि हम आपके साथ दिन रात रहेंगे, और हुआ भी। आपने देखा है कि चौधरी साहब हो गए, खालिद साहब हो गए, खाकान मीर जो मेरे लिए नॉमिनेशन पेपर्स देते हो, इनको अरेस्ट तक किया गया जब मैंने NA 118 का इलेक्शन लड़ने लगी थी। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस पर भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली, जिस तरह से हमजा ने मेरे सुसर, तो मैं इन्हें नहीं कहूँगी, मेरे वालिद से भी आगे, जिस तरह ये दोनों एक तरफ अंकल और एक तरफ हमजा, और मेरी बेटियाँ, मेरी बहन, मेरी मदर इलेक्शन कमीशन जाती थी, ये लाहौर हाईकोर्ट्स और कोर्ट्स जाते थे। उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा अपने लीडर की शुक्रगुजार हूँ जिसने हमेशा मुझे एक ही बात का शऊर दिया, मुझे क्या पूरी आवाम को, और जिन्होंने एक ही तरबियत की कि मुश्किल से मुश्किल हालात हो जाए आपने घबराना नहीं है। और यही हमारा मैसेज अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम को है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, अगर आलिया हमजा टूट जाती तो ये मेरी हार ना होती, बल्कि वो ख़वातीन जो मेरी तरफ देख रही थी, जो ये देख रही थी कि आज की ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा मजबूत है, ये अपने नज़रिए के से डट सकती हैं, तो मैं सिर्फ एक पैगाम दूंगी, आप जुनून को कैद नहीं कर सकते, आप नज़रिए को कैद नहीं कर सकते, आप जो हमारा विजन है ना, आप उसको कैद नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने मुल्क के लिए, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए खड़े हैं। मैं अपनी सारी पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए आज एज ए रोल मॉडल सामने आई हूँ, वो रोल मॉडल जो खड़ा हो सकता है, जो जुल्म का मुकाबला कर सकता है डटकर। ना अदालतें हमें इस वक्त, आप देख लें कि अगर अदालतों के, हम हर अदालत में पेशियां भुगतते रहे, कभी मैं सुबह फैसलाबाद होती थी, सरगोधा होती थी, इस्लामाबाद होती थी, किसी लम्हे हम बिल्कुल नहीं घबराए। और मैं पाकिस्तानी आवाम को ये कहती हूँ कि अब हमारा मकसद, जो हमने ज़िंदगी गुजार ली, जो ये टाइम गुजार लिया, उसके बाद अब हमारा एक ही मकसद है, हमने आगे ये देखना है कि किस तरह से हम इस मुल्क को एक प्रॉस्परस पाकिस्तान बना सकते हैं, एक ऐसा पाकिस्तान बना सकते हैं जो आइंदा आने वाली नस्लों के लिए खुशहाल हो, एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ एहतजाज की सियासत ना हो, जहाँ हड़तालें ना हो, जहाँ एहतजाज पर
आपके घरों की बेहुरमती ना हो, आपकी खवातीन की बेहुरमती ना हो, जहाँ ट्वीट करने पर आपकी गिरफ्तारियाँ ना हो, जहाँ जबरी गुमशुदगियाँ ना हो, जहाँ ताजिर इस तरह हड़ताल करने पर मजबूर ना हो, जहाँ किसान को अपने हक के पैसे मिलने के लिए किसी के मिनते तरले ना करने पड़े। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मेरी स्ट्रगल, मेरे लीडर की स्ट्रगल इस पाकिस्तानी अवाम के लिए है। मैं शायद अपनी पाकिस्तानी खवातीन को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप ये समझती हैं तो आपके हौसले के आगे पहाड़ भी नहीं खड़ा हो सकता। सिर्फ हिम्मत करें, और सिर्फ अब हमारी एक ही चीज़ होनी चाहिए कि हमें अपने लीडर को रिहा कराना है, और हमें उसके लिए, हम जब भी तहरीक का ऐलान करेंगे तो मुझे पता है कि हमारी खवातीन हमारा हर अव्वल दस्ता होंगी। उसके अलावा यहाँ बहुत से लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, जिन्होंने मेरा हर लम्हा साथ दिया। मैं बख्शी खाना में होती थी तब भी वो मेरे साथ होते थे, कभी प्रिजन वैन में होती थी, तो जिस तरह से आप लोगों ने मेरा साथ दिया मैं कभी भी वो वक्त नहीं भुला सकती। सारे ये कहते हैं मीडिया चैनल्स क्या, मैं एक एक, और सबको पता है कि मैं किन किन के बारे में बात कर रही हूँ, और बहुत से ऐसे लोग, कोई मैं तो ये कहूँगी कि जिनका शायद मैं यहाँ नाम ना ले सकूँ कि उनके लिए प्रॉब्लम्स हो, बट मेरा बहुत साथ दिया। यहाँ अंजुम खड़ी है, यहाँ पर रजिया खड़ी है, सुमेरा खड़ी है, ये लड़के हमारे खड़े हैं, मेरे हल्के वाले। और सबसे पहले मैं मकरूज हूँ NA 118 की, के जेल में रहते हुए आपने मुझे ये इलेक्शन जिताया।